दीदी मिही के मैं चाला टोंका मैं कामू ले ने जतरा से ये ने ओला दीदा चाला टोंका दीदी मिही के इससे कि मैं निमा नहने जा अर्जी नाना लगता बिंती नाना लगता ने मैं गुसर सेवा पूजा ईशा नुम नंदा में ईद कामू ले ने है निदा चाला टोंका है के बेतगुड़ी तक कामू लेन चाला टोंका दीदी मिही के जितेंद्र राव हैं बेहतरीन अगुवाई कर रहे हैं ये वेस्ट बंगाल काम अलायंस जलपाईगुड़ी से। इसी तरह से हम सभी लोगों को आज प्रेरणा लेना है और ख़ासकर जो जितने भी चाय बागान में हैं सभी लोग आदिवासी शरण समाज के लोग आप सोचा विचारी ज़्यादा मत कीजिए और तेतरा उरांव से प्रेरणा लीजिए और यहाँ का जो अगुवाई जिस तरह से माहौल तैयार किए हैं एक बेमिसाल है। बहुत उत्साह और खुशी की बात है हमारे धर्म महान लोग किस प्रकार से उनके अगुवाई में धर्मेश के संग आ रही है सरना में एक सुंदर माहौल तैयार कर रही है। इस तरह से सुंदर माहौल बनाने के लिए सुंदर विचार करने के लिए सुंदर हमको बनने के लिए हमको जरूरी है तेतरा उरांव जी है लगातार ये देखिए कितनी तरह से ये जो लाइट वगैरह या दीपक जो जला रहे हैं वो दीपक कितना सुंदर है और यहाँ पर जो फूल है सफ़ेद फूलों को बहुचार कर देते हैं तो हमें पूजा पाठ और प्रार्थना वगैरह में थोड़ा बहुत भिन्नता होती है उससे हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ धर्मेश का ही अच्छाई और बुराई दोनों बनाया हुआ है इसलिए हमको अच्छाई में भी फंसना नहीं है बुराई में भी फंसना नहीं है। हम अच्छे
पीछे बोल के भी मैं जो कर रहा हूँ वही अच्छा है, ऐसा ऐसा बोल बोल के भी हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए हमको अच्छाई और बुराई हमको उससे ऊपर उठ के काम करना है। हम अच्छाई बोल के हम लोग हमारे सोचते हैं कि मेरे हिसाब से हो, मेरे अनुसार ही हो पूजा पाठ पद्धति, या मेरे अनुसार हो विनती भजन, हमारे अनुसार से ड्रेस होना चाहिए, इस तरह से सोचते विचारते हैं। तो इस प्रकार से जब सोचते विचारते हैं के साथ साथ जब टोका टोकी करते हैं तो हमारे साथ में जो जुड़ने वाले, हमारे साथ में जो आने वाले वो भी दूर हो जाते हैं। इसीलिए महान ये संदेश है, और ये तेतराऊ राव है महान काम कर रहे हैं, इनसे लगातार सभी लोग प्रेरणा लीजिए और आप भी प्रेरित हो कि समाज की उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के संगठन के लिए कहने की नहीं करने की जरूरत है, और सरना में आने की जरूरत है। सरना में आइए, चाला में आइए, अपने घर आसपास ऐसा माहौल तैयार कीजिए जिस माहौल के द्वारा हम सभी लोग सरनामय हो सके, सभी लोग धर्मेश के संग हो सकते, धर्मेश के साथ जियेंगे। काम करते 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 हम धर्मेश का याद करते रहना चाहिए ताकि हमारा जो काम है, हमारा जितना भी छोटे बड़े सारे काम एक प्रार्थना बन जाए और काम सबको अच्छा और सुंदर लगे, सबको हित हो, हितकारी हो, ऐसे हमको करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है और ये तेतरा उराव का कैसा लग रहा है इसको कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना। जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सरना, जय सरना।